आप जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाएं। तो फिर आप चलिए आगे, क्यों नहीं चलना यहाँ क्या? क्यों ये कोई बात हुई? आप लोग तो धैर्य खड़े हो बिल्कुल, इतना छापे मालूम दे रहा है इतनी मारे ले रहे, हम अपनी आवाज भी ना उठाए, भी कोई तरीका नहीं जा रहा है। लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे ना, लाठी चार्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, फोन नंबर हमें नहीं पता, मोबाइल मिल गया और केवल 400 रुपये। ठीक है, जो भी सामान मिल गया भैया है, 220 रुपये मिला है, मिल गया मोबाइल आपको, मिल गया पर्स, मिल गया लाल रंग का है। हाँ, पैसे भी हैं आपके, दवा भी है। Varani 2, Lucknow is arriving on platform number 3. Yatri Gan Kripya Sandhi, Gaadi Sankhya. किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, किसानों ने ललकारा है, किसानों की मांगे पूरी हो, हो पूरी हो, अब जब सरकारें डरती है, सवाले करती है। और एक जरा पीछे आओ, किसानों की मांगे पूरी हो, और एक जरा पीछे आओ। खीरी के पीड़ितों को न्याय, जब तक यह तानाशाह हिटलर की सरकार, जो एक दाढ़ी वाला सरकार जो चला रहा है केंद्र में बैठ करके, और यह हिटलर जब तक नहीं हटेगा तब तक हम समझ रहे हैं न्याय मिलने वाला नहीं, और यह आंदोलन हिटलर के हटाने तक चलेगा, चाहे जो भी ये कर लें, लेकिन यह किसान अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। ये देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई है, यह उस आजादी की लड़ाई से बहुत बड़ी लड़ाई है। आज यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन के जो डिफरेंट डिफरेंट गुट्स हैं, उन्होंने रेल रोको आंदोलन का जो है अल्टीमेटम दिया हुआ था, उसी लिए जो है इनको ये रोका गया है, और यहाँ पर इन्होंने पुलिस लाइन चौराहे के निकट स्टेशन के पास अपना ज्ञापन सौंपा है, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, इसे हम उचित माध्यम से वहाँ पर प्रेषित करते हैं। थैंक यू। आज किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के तहत ये आह्वान किया गया था रेल रोको आंदोलन का, तो किस तरह का देखिए, जहाँ सरकार और शासन और प्रशासन की गुंडाई हो तो वहाँ कोई क्या करेगा। अब आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं, हमको 10 महीने पूरे हो रहे हैं, और बॉर्डरों पर हमारे लिए जो सीमा पर सुरक्षा के लिए दीवारें ना बनी होंगी, वह हमें दिल्ली जाने से, मतलब किसानों का दिल्ली नहीं है, इस देश में किसानों का कोई अधिकार नहीं है। वही हाल संयुक्त किसान मोर्चा का, जो अभी हाल में एक घटना घटी, अजय टेनी के बयान और उनके पुत्र आशीष टेनी द्वारा जो किसानों की हत्याएं की गई गाड़ी चढ़ा करके,
और उसमें आपको बता दें कि पहला वर्ड था अजय टेनी का कि जिस दिन हमारा बेटा मुलजिम निकलेगा उस दिन हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे बिना कहे। आज क्राइम ब्रांच ने और उनके जो भी साथ के लोग थे सबने कबूल लिया और जेल में हैं, और उसके बाद भी ये बेहया आज इस्तीफा न दे करके और जबान लड़ा रहे हैं सरकार, मतलब किसानों के लिए जो बेड़े लगवा रहे हैं, ये कितनी जायज़ सी बात है। आप लोग जान रहे हो कि किसान प्रोटेस्ट करता है केवल अपनी मांगों के लिए, ना इस देश में किसी चीज़ की क्षति चाहता है, ना जनहान ना धनहान, किसी प्रकार के हम हान नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी ना हमें कहीं प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है, ना हमें कहीं किसी प्रकार से मतलब न्याय मिलने की उम्मीद है। सरकार उसको कहते हैं जो हमारी कोई जायज़ सी बात है उसको आप सुनिए, नाजायज है तो हमें आप सीधा लिख के बता दो कि आप नाजायज हो। आप एक बात ये भी कह रहे हो बड़े दावे के साथ, तुमने आज तक जितना संविधान में, जितना बड़ा संविधान बना है भारत का, पूरे संविधान में आज़ादी से पहले अंतरिम सरकारें जब थी तब संविधान के एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट पर पूरा दिन चर्चा होती थी। और ये संविधान, ये विधेयक जो पास किए गए वो रातों रात राष्ट्रपति जी विधेयक लाते हैं और उसके बाद ये कानून में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कितने संसद के दिवालियेपन का निशानी है। और उसके बाद तुम कह रहे हो किसान जब ने कहा कि इसमें संशोधन करा लो, इसका मतलब ये पूरे कानून काले हैं, इन पे हम आगे क्या करने का इरादा। जो हमारे संयुक्त मोर्चे का जो निर्णय होगा, आज हम लोगों को ज्ञापन ले लिया है, यहीं पर पुलिस ने रोक दिया है, पुलिस स्टेशन रेल पटरियों पर जाने नहीं दिया और वहां पर हर जगह बैरिकेडिंग किए हैं, छोटी छोटी जो इनके क्रॉसिंग होती है। यात्रीगण कृपया, संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको आंदोलन है, इसको लेकर बाराबंकी में क्या कुछ तैयारियां हैं? बाराबंकी में पर्याप्त पुलिस प्रबंधन किया गया है और सभी किसान संगठनों से संवाद किया जा रहा है, सभी को आश्वस्त किया जा रहा है कि आप कहीं भी ज्ञापन देना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपना ज्ञापन और अपनी बातें रख सकते हैं। न्यूसेंस किसी हाल में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा और जितने लोग हैं सभी से संवाद और संवाद स्थापित करके पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। फ्रॉम कोलकाता।